ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, प्राइस एक्शन को आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फुल ट्यूटोरियल लेके आया हूं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर। तो आज के ये वीडियो में हम लोग समझने वाले ब्रेकआउट ट्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट, और कुछ मैं आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर सेटअप यहां पे बताऊंगा, और ये पार्ट वन वीडियो रहेगा। और आने वाला जो पार्ट टू वीडियो होता है वहां मैं आप लोगों को और डिटेल में पूरा एडवांस पॉइंट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग को फुल्ली सीखना चाहते हो बिना किसी को पैसा दिए या बिना किसी का कोर्स आप लोग एनरोल किए, बिना ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप सीरियसली ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर मास्टरी लेना चाहते हो तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अभी हम ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट करें तो कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग सब लोग प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो मोमेंटम आता है ना वो काफी बढ़िया होता है, और हाँ फेक ब्रेकआउट भी होता है, ठीक है। तो सारा पॉइंट्स हम लोगों को समझना है, फेक ब्रेकआउट कब होता है, ब्रेकआउट कब अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है, तो सारा पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो ये वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं ब्रेकआउट किसको कहते हैं। देखिए, चार्ट में जब प्राइस एक पार्टिकुलर एरिया पे बार बार जाके टकराता है, या ऊपर के साइड हो सकता है या फिर नीचे के साइड हो सकता है, जब प्राइस ऊपर जाकर के ये बार बार टकरा के नीचे की ओर आता है तब हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जब प्राइस नीचे की ओर जाता है और एक लेवल पे जाके टकरा के बाउंस लेके ऊपर की ओर आता है, फिर भी नीचे टकरा के बाउंस लेके ऊपर की ओर आता है, तो जो नीचे का लेवल है इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब प्राइस अपना मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके बाद एक तगड़ा मोमेंटम आता है, तो उसी को हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन ये इसको जानना, इसके ऊपर मास्टरी लेना, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और जो भी ऑप्शन बायर होते हैं ना वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर एंट्री बनाते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो मोमेंटम होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन बायर भी वहां घुस जाते हैं। तो आपको अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझना है, इसको सीखना है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, तो उसको हम लोग समझेंगे और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर कुछ सेटअप को हम लोग जानेंगे, और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में कुछ एडवांस पॉइंट लेके आऊंगा। क्योंकि जो सेटअप बनता है ना, सेटअप तो हर बार बनेगा, चार्ट में बनेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट के ऊपर जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं उसको कब अवॉइड करना, कब उसके ऊपर ट्रेड लेना, कब उसको छोड़ना, तो आप लोगों को सारा पॉइंट मालूम होनी चाहिए। क्योंकि सेटअप तो हर कोई, सभी को पता है मार्केट में, लेकिन सब लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ सेटअप जानने से कुछ नहीं होगा, वो सेटअप के ऊपर हमको इतना पकड़ होनी चाहिए कि वो सेटअप को हमें कब अवॉइड करना है, कब उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये वीडियो को अगर आप पार्ट टू तक अगर कवर करोगे तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा कि हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग को कब अवॉइड करना है, कब इसके ऊपर हमें एग्रेसिवली ट्रेड लेना है। तो सारा पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए अब हम प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को पूरा नॉलेज मिलने वाला है। तो फुल एनर्जी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सेशन को, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग मास्टर क्लास की जहां हम लोग सीखेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर ट्रेड करना पार्ट वन के अंदर, ठीक है। और पार्ट टू में क्या रहेगा मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा। और सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोला कि जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है उसमें बढ़िया मोमेंटम मिलता है, तो सबसे पहले आप ये साइकोलॉजी को समझिए कि वहां क्यों सबसे ज्यादा मोमेंटम मिलता है। देखिए, यहां मैंने एक एग्जांपल रखा है, जब कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर एरिया को बार बार हिट करता है तो वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जब ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करता है ना तो उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर के साथ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है, ठीक है, मार्केट में जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है उन लोगों का ऊपर के एरिया पे स्टॉप लॉस होगा, तो उन लोगों का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे और बायर्स लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बायर्स पे आ जाते हैं और सेलर लोगों का स्टॉप लॉस भी यहाँ हिट होता है। और ब्रेकआउट जो होता है, एक्चुअली ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज रहता है, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम देने के बाद कंसोलिडेट करता है, मतलब कि मार्केट रेस्ट करता है, ठीक है। आखिर मार्केट बना है चलने के लिए,
तो मार्केट हमेशा तो चलता नहीं रहेगा, मार्केट को रेस्ट भी करना है। अब आप लोग खुद का एग्जांपल ले लीजिए, क्या आप हमेशा दौड़ लगा सकते हो? क्या आप हमेशा रनिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। आप रनिंग करने के बाद कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट लोगे, और रेस्ट लेने के बाद जब आप फिर रनिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप फुल एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आप रन कर पाओगे। मार्केट भी ऐसा ही, मार्केट चलता है, चलने के बाद मार्केट थक जाता है, तो थकने के बाद मार्केट कुछ टाइम के लिए अपने लेवल पे वो होल्ड करता है, या फिर वहां पे कुछ टाइम के लिए साइडवेज होके मार्केट रुक जाता है। ठीक है, अब मार्केट ने रेस्ट कर लिया, तो रेस्ट लेने के बाद अब फिर मार्केट चलना चाहता है, मार्केट फिर एक और बार रनिंग करना चाहता है, तो वो रनिंग वाला जो मोमेंटम है उसको हमें कैप्चर करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आई होप कि आप लोगों को समझाया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट होने से पहले क्या होता है। ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस कंसोलिडेट करता है। अब कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है, देखिए मार्केट ने यहाँ मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद ये मार्केट यहाँ पे थक जाएगा, मार्केट को यहाँ पे टायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे ओपन नीचे ऐसे ऐसे करता रहता है। तो ये बेसिकली क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद बायर्स को एक अच्छा प्रॉफिट मिला, तो फिर यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सेलर नहीं आते, क्योंकि सेलर को लगता है कि अभी ट्रेंड अपसाइड है। ठीक है, अपसाइड ट्रेंड है, तो फिर यहाँ पे सेलिंग करके रिस्क क्यों लेने का, और फिर जो भी बायर्स हो गए उसको इतने ऊपर के लेवल पे और खरीदने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उस वजह से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, या फिर मार्केट का जो मोमेंटम है ये यहाँ जाके रुक जाता है। ठीक है, तो रुकने के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ रुक जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर के साइड भी स्विंग बनता है और नीचे की साइड भी यहाँ पे स्विंग बनता है। तो जब स्विंग बनता है और मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करता है तो वहां पे एक बढ़िया मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर को भी एक अच्छा स्टॉप लॉस मिलता है, या फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सेलर लोगों के लिए भी अच्छा यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलता है, और वो सेलर लोग भी यहाँ पे इसलिए एंट्री बनाते हैं, चलो मार्केट ने ऊपर के साइड मोमेंटम दे दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला और उसके बाद शायद मार्केट गिर सकता है। तो ऐसा एनालिसिस होता है, या फिर इसके पीछे का जो साइकोलॉजी होता है वो ऐसा रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को समझाया होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट करता है, मतलब एक ही रेंज में घूमता है, फिर उसके बाद जिस भी साइड ब्रेक करता है तो वहां पे एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कंसोलिडेशन, कि कंसोलिडेशन किस स्ट्रक्चर में होता है पहले आपको बता दूं। जैसे मार्केट यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो कभी कभार रेक्टेंगुलर शेप में मार्केट कंसोलिडेट करता है, और कभी कभार क्या होता है मार्केट एक चैनल के रूप में, ऐसे राइजिंग वाला जो चैनल होता है ऐसे वाले फेज में भी यहाँ ऐसे कंसोलिडेट करता है, या कभी कभार मार्केट यहाँ पे आता है फिर और कभी कभार मार्केट ऐसे, मतलब मार्केट ऊपर से आ रहा है तो यहाँ ऐसे करके भी कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेज रहता है, और कहीं कहीं कंसोलिडेशन क्या होता है, एक वो जिसको बोलते हैं ना स्क्वीज वाला कंसोलिडेशन होता है, कि स्क्वीज वाला कंसोलिडेशन में क्या होता है, नीचे आया ऊपर गया तो ऐसे करते करते मार्केट यहाँ पे छोटे रेंज में सिमट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऊपर और नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और ऐसा वाला चार्ट पैटर्न बनता है, इसको हम स्क्वीज पैटर्न बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का कंसोलिडेशन ही है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का कंसोलिडेशन होता है, फिर उसके बाद जब मार्केट ब्रेक करता है उसी को हम ब्रेकआउट बोलते हैं, तब हमको उसमें ट्रेड लेना होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि ये ब्रेकआउट वाला सेटअप कब बनता है। तो ब्रेकआउट वाला सेटअप देखने के लिए आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न होता है ना वही एक कंसोलिडेशन है। मतलब चार्ट पैटर्न क्या है, ये कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन है। ठीक है, कि जिसको हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पे उसको हमने नाम दिया है, हम किसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न, किसी को बोलते हैं ट्राइंगुलर पैटर्न, किसी को बोलते हैं हम लोग राइजिंग वेज पैटर्न या फॉलिंग वेज पैटर्न, तो अलग अलग नाम हम लोगों ने दिया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग आज के ये वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, नीचे से ऊपर के साइड भी हो सकता है या फिर ऊपर से नीचे की साइड भी हो सकता है, तो ये मोमेंटम देने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, मतलब मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज में ट्रेड करेगा, लेकिन वो जो कंसोलिडेशन होगा ना वो ऐसा वाला होगा, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा,
फिर जब नीचे आएगा तो ये वाला लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, फिर मार्केट यहीं से ऊपर की ओर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये वाला हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, तो मार्केट ऐसे करते करते एक ही रेंज में ये सिमट जाता है। तो हमें यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगुलर पैटर्न, क्योंकि ये ट्राइंगल के शेप में है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर पैटर्न। तो यहाँ पे प्राइस जिस भी साइड ब्रेक करता है उसके उस दिशा में हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये जो ट्राइंगुलर पैटर्न है ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, दूसरा होता है एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न और तीसरा डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न होता है वो ऐसा वाला होता है कि यहाँ पे जिस भी साइड ब्रेक करे तो बढ़िया मोमेंटम आता है, मतलब कि ये एक मतलब इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर और नीचे का जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक नहीं करता, ठीक है, उसके आसपास भी नहीं जाता, तो ऐसा वाला पैटर्न बनता है। और जो एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न होता है यहाँ पे ऊपर का जो हाई है उसको मार्केट बार बार टच करता है, लेकिन जब नीचे आता है तो ये जो स्विंग है इसके ऊपर से मार्केट यहाँ पे घूम जाता है, लेकिन ऊपर का जो हाई है इसको टच करता है, ठीक है, तो ऐसे करके टच करता है, तो यहाँ पे हायर हाइज बनता है, यहाँ पे हायर हाइज बनता है, ऊपर का जो लेवल है ये फ्लैट रहता है। तो फिर अगर ये जिस भी साइड ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे तो दोनों साइड हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस नीचे के लेवल पे फ्लैट लाइन बनाता है, लेकिन ऊपर से आप देखो तो ऐसे यहाँ पे रहता है, ठीक है, इसको इसको बोलते हैं लोअर हाई, और जो नीचे यहाँ पे ये फ्लैट लाइन बनाता है, तो जिस भी साइड ब्रेक करेगा तो एक बढ़िया मोमेंटम देगा। लेकिन ये जो पैटर्न है ना इसमें ये पॉसिबिलिटी रहता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये ऊपर के साइड ब्रेक कर सकता है, या फिर मार्केट अगर नीचे की साइड है तो यहाँ पे ये नीचे के साइड ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी को भी आप लोगों को समझना है। तो जो ट्राइंगुलर पैटर्न है इसके बारे में इतना ही आप लोगों को समझना है, और आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि जो चार्ट बनेगा ना वो तो उतना क्लीन नहीं होगा, वो उतना क्लियर नहीं होगा, वो आपका प्रैक्टिस ही है कि जिस जो आपको स्पॉट करने में हेल्प करेगा। तो ट्रायंगुलर पैटर्न में आप लोग देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है कि जिसमें प्राइस यहाँ पे स्क्वीज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक किया तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। फिर उसके बाद ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल कि जिसमें ऊपर का जो लेवल होता है वो फ्लैट लाइन में होता है और नीचे मार्केट ऐसे यहाँ पे न्यूर मतलब अपना जो स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं करता, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे नीचे की ओर फ्लैट लाइन होता है और मार्केट ऐसे करके नीचे की ओर मतलब ऐसे कंसोलिडेट करता है, तो इसको ब्रेकआउट देने के बाद एक बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड हमें देखने को मिल सकता है। और अब हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न कि जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब प्राइस यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ये बुलिश मोमेंटम में होगा, ठीक है, जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई है ये प्राइस ब्रेक करता है, लेकिन एक एरिया पे आकर के प्राइस जब ऊपर की ओर जाता है स्विंग हाई को ब्रेक करता है, फिर ये अपना स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, प्राइस नीचे की ओर आता है, लेकिन फिर एक बार और प्राइस ट्राई करता है कि ये अपना स्विंग हाई को ब्रेक करे, लेकिन प्राइस यहीं से घूम जाता है। तो ये केस में बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्चुअली क्या है, ये पैटर्न में हमें हमें क्या साइकोलॉजी को समझना है कि प्राइस अप ट्रेंड में था, मतलब प्राइस अपना जो प्रीवियस स्विंग था इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, तो फाइनली यहाँ पे जाके प्राइस ने अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, या एक टाइम यहाँ पे इसने ब्रेक किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे ये ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे बन गया हमारा ये पैटर्न। और यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन होता है इसको हम नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है, तो जब ये ब्रेक करेगा तो फिर प्राइस नीचे की ओर आ सकता है। और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये जो एरिया है इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं और इसको राइट शोल्डर बोलते हैं, और ये जो बीच का पार्ट है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हेड शोल्डर, ये हेड है और ये शोल्डर वाला पैटर्न है, जो नीचे का जो सपोर्ट होता है जो स्विंग का सपोर्ट होता है उसको हम नेक लाइन बोलते हैं, तो ये ब्रेक होने के बाद फिर हमें नीचे की साइड एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये रहा इसका रियल एग्जांपल। आप लोग देखो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे जाकर किसने ब्रेक किया, फिर यहाँ ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन नहीं किया, प्राइस फिर नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे ये ऊपर की ओर जा नहीं पाया, फिर प्राइस ने यहीं से ब्रेक किया, तो ये बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है।
और आप लोगों को एक और चार्ट पैटर्न है जो आपको समझना है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कि जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ये बुलिश वाला पैटर्न होता है, कि मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर आ रहा था, तो जब मार्केट नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, मार्केट जो अपना प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने हाई लगाया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, इसको हाई लगाया ब्रेक नहीं किया, तो फाइनली जब नीचे की ओर आकर के मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अपना जो प्रीवियस स्विंग, ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर अपना प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करना स्टॉप किया, बंद किया, तो यहाँ एक सपोर्ट लाइन बनता है, तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की ओर मोमेंटम दे सकता है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी इसको हम रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, जिसको ये टेक्निकल भाषा में हम लोग एक नेक लाइन बोलते हैं, तो नेक लाइन को जब ये क्रॉस करेगा तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, तो उसके बाद फिर प्राइस ऊपर के साइड मोमेंटम दे सकता है। तो ये रहा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और आप लोग यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल, मार्केट नीचे की ओर आया, ओके, यहाँ पे आके इसने अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे भी ब्रेक किया लेकिन प्राइस फिर ऊपर की ओर घूम गया, तो जब इसने यहाँ पे ब्रेक करना चाहा तो फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहीं से रिवर्स हो गया, ये बन गया मेरा नेकलाइन, और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर के साथ एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। और हाँ, आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्लैट लाइन में होता है, ऐसा कर्व वाला भी होता है। जैसे यहाँ पे देखो, प्राइस ने ऐसा कर्व वाला हेड एंड शोल्डर बनाया ना, तो आपको यहाँ पे कर्व वाला बनेगा या फ्लैट लाइन वाला बनेगा ये नहीं देखना है, आपको चार्ट को समझना है। मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो को जब यहाँ पे ब्रेक करना बंद किया, ऊपर की ओर गया, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे स्विंग हाई को ब्रेक करना चाहा, ठीक है, तो इसी में आप लोगों का चार्ट पैटर्न बन गया। देखिए, चार्ट पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी को अगर आप समझोगे ना, तो आपको ये अलग अलग नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चार्ट को देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि वहां पे ट्रेंड कहाँ जाके स्टॉप हुआ है, कहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, तो वो आपको खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है, और एक अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और ये पैटर्न है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, मार्केट ने ऊपर के साइड मोमेंटम दिया, मार्केट रनिंग में था, यहाँ मार्केट ने रेस्ट किया, तो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। जो झंडा होता है ना, यहाँ पे एक पोल होता है, फिर यहाँ पे ऐसे फ्लैग होता है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर के आधार पे इसको नाम दिया गया है। और ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी दो प्रकार का होता है, एक बुलिश वाला होता है जो कि ये लाइन में है, जो कि बुलिश वाला होता है जो कि ये है, और एक और दूसरा होता है बियरिश वाला। कि बियरिश में क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर आता है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करता है, रुक जाता है, फिर उसके बाद ब्रेक करता है, तो ये बन गया इनवर्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ठीक है, इसको आप लोग समझिए। और यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, तो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद ऊपर के साइड एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसको बोलते हैं बियरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। मार्केट नीचे की ओर आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट यहाँ से गिर गया, तो इसको बोलते हैं बियरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ पे जो सारा पैटर्न का खेल है ना, वो ब्रेकआउट के ऊपर है, ये पॉइंट आप लोगों को समझना है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेज पैटर्न को। तो वेज पैटर्न भी दो टाइप का होता है, एक राइजिंग वेज होता है और दूसरा फॉलिंग वेज होता है। राइजिंग वेज पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट गिरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, और फॉलिंग वेज पैटर्न में मार्केट फिर यहाँ ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है आफ्टर अ ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, राइजिंग वेज पैटर्न में क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे करके इससे ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना रहा है एक मोमेंटम के बाद। ठीक है, एक मोमेंटम के बाद, तो यहाँ पे जब ये जो पैटर्न है, जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमें नीचे की साइड एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिए, ये रहा वेज पैटर्न का एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया फिर गिर गया, यहाँ पे आपको ये लाइन ड्रॉ करना है और ऊपर से ये लाइन ड्रॉ करना है कि जो आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद एक मोमेंटम यहाँ मिल जाता है। अब आप लोग देखिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। तो यहाँ क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बोला ना, ये उसी के आधार पे। ठीक है, जैसे मार्केट ने ऊपर के साथ मोमेंटम किया,
जब मार्केट ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा तो यहाँ पे अपना प्रीवियस स्विंग हाई को ये ब्रेक करेगा, लेकिन एक एरिया पे जा करके इसको अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर सकता, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा फिर मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा, लेकिन जो स्विंग हाई है उसी से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे की ओर आता है, तो ये बन जाता है सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पे टॉप नंबर वन ये टॉप नंबर टू बन जाता है, फिर जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा इसको तो नीचे की ओर आ सकता है। तो आपको इसी पॉइंट को समझना है डबल टॉप में। अब डबल बॉटम में क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर आया, यहाँ पे ऐसे करते करते मार्केट प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करते करते नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे फिर मार्केट अपना स्विंग लो ब्रेक नहीं करता, मार्केट यहाँ से यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है। तो आपको ऊपर में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, फिर मार्केट जब यहाँ ऊपर की ओर जाता है तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम दे देगा ब्रेकआउट के बाद। तो ये रहा डबल टॉप और डबल बॉटम। एक्चुअली ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न को यूज करके हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन या फिर ट्रेंड रिवर्सल हम दोनों को देख सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा जो चार्ट पैटर्न है वो है ओके, इस डबल टॉप एंड डबल बॉटम का एग्जांपल रहा। मार्केट ऊपर जा रहा था, अपना यहाँ पे स्विंग बना के ऊपर की ओर गया, ये हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया, तो जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डबल टॉप बनेगा। टॉप मतलब टॉप नंबर वन और टॉप नंबर टू, डबल टॉप। तो इसको ब्रेक करने के बाद एक बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉटम में ऐसा ही है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा था लेकिन एक टाइम आकर के ये अपना प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता, ओके, फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है, ये स्विंग को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बन जाता है डबल बॉटम पैटर्न। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न। रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न देखने में बहुत आसान होता है और ट्रेड करने में भी बहुत आसान होता है, ठीक है। और आप लोग देखो रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न में क्या होता है, मार्केट मोमेंटम तो किया और लेकिन मोमेंटम देने के बाद वो एक ही रेंज में सिमट जाता है, तो यहाँ जा करके जिस भी साइड ब्रेक करेगा वो उसके साइड हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। और रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न भी दो प्रकार का होता है, एक बुलिश रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न और दूसरा बियरिश रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न, ठीक है। मार्केट जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है तो यहाँ पे रेंज बनाएगा, तो फिर नीचे की ओर ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, तो जब ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो इसको हम बोलेंगे बियरिश रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न। ये बहुत ही आसान वाला चार्ट पैटर्न है। आप लोग देखो यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिया, यहाँ पे रेंज में सिमट गया, ऊपर के साइड ब्रेक किया तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसे आप लोगों को देखना, ये चार्ट पैटर्न है ना, ये सभी ब्रेकआउट के ऊपर है। अगर आप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपको आसानी से ब्रेकआउट वाला ट्रेड मिलेगा। और आपको जाते जाते एक पॉइंट बता दो, क्या आपको लगता है कि मार्केट आपको इतना आसानी से प्रॉफिट देगा कि आपने कुछ चार्ट पैटर्न्स को देखा, चार्ट में आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट को देखा? देखिए रियल लाइफ में ये इतना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए तो हमें इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार इसके ऊपर ट्रेड लेना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसके ऊपर आप लोगों को और एडवांस पॉइंट मालूम होने चाहिए कि ये चार्ट पैटर्न जब बनता है तो कब हमें ट्रेड लेना होता है, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिखाया ना, ये तो हमेशा चला है, ठीक है, लेकिन आप जब रियल चार्ट में देखोगे तो ये बार बार फेल भी होता है। मतलब ब्रेकआउट दिखाया यहाँ पे लेकिन प्राइस नीचे की ओर आया, आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया, आपका यहाँ पे लॉस हो गया। तो इसको भी आइडेंटिफाई करने का तरीका है, कुछ कंफर्मेशन होता है कि कैंडल कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, जब ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद जो रिटेस्ट मिलेगा उसके लिए वेट करना चाहिए या फिर वेट नहीं करना चाहिए, आपका प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो सारा पॉइंट्स अगर आप लोगों को जानना है तो मैं इसका पार्ट टू लेके आने वाला हूँ। यहाँ से आप लोगों को बेसिक नॉलेज मिला चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और ब्रेकआउट के ऊपर, लेकिन अगर आपको सच में एक हाई क्वालिटी ब्रेकआउट ट्रेडिंग चार्ट में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए मुझे पार्ट टू लेके आना पड़ेगा, जहां आप लोग इस ये पॉइंट को प्रैक्टिकली और समझ पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप जरूर बताना, मैं जल्दी एक दो दिन में पार्ट टू भी लेके आने वाला हूँ, जहाँ आप लोग सीखोगे कि इसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना, कहाँ पे एंट्री बनाना, कहाँ पे स्टॉप लॉस बनाना, कैंडल कैसा होना चाहिए ब्रेकआउट कैंडल, अगर ब्रेकआउट कैंडल का कुछ कंडीशन है अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड भी ले सकते हैं, वो कब लेना, तो सारा पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।